मेरे बच्चों, कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था, क्या फोर्स पढ़ा था, है ना? तो वर्क इज सेट टू बी डन। वर्क हम कब कहेंगे? जब क्या करोगे किसी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में, आप क्या करोगे? फोर्स लगाओगे और वो क्या होगी? डिस्प्लेस हो जाएगी। तब आप क्या करोगे? तब वो क्या होगा कि आपने वर्क किया है, ठीक है? जैसे कि आपने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया, कोई आपने बुक उठाई और एक जगह से दूसरी जगह में रख दी, है ना? तो मतलब कि आपने उसको क्या किया, डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट को, ठीक है? बट अगर आपने क्या किया, एक वॉल है, ठीक है, दीवार को आप धक्का देते रहे, धक्का देते रहे, आपने अपने फोर्स तो लगाया, बट क्या हुआ, वॉल जो है वो, दीवार जो है वो क्या हुई, डिस्प्लेस नहीं हुई। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ, आपका वर्क डन क्या है, ज़ीरो है, ठीक है? तो वर्क डन जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए तो क्या होगा, वर्क डन जो होता है क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं, ठीक है? तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इन टू डी, जहाँ पर एफ क्या है, फोर्स है, डी जो है वो क्या, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? तो फोर्स की SI यूनिट होती है, आपको पता है, ये न्यूटन होती है, और क्या डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट होती है, मीटर। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। तो वर्क की SI यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई, ठीक है? अब कब होगा, वन जूल ऑफ वर्क कब होगा, जब क्या होगा, जब 1 न्यूटन फोर्स लगेगा और कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, 1 मीटर डिस्प्लेस होगा, तब क्या होगा, 1 जूल वर्क डन होगा, ठीक है? अब जो है इस ये वाला पॉइंट बेटा पहले लिखना, इससे पहले, ठीक है, इस पॉइंट से पहले। तो अब देखो, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तब क्या होता है, वर्क डन ज़ीरो होता है। जैसे कि कोई कुली है, वो क्या कर रहा है, अपने बॉडी, अपने क्या, सर पर कोई सामान रख कर इधर से उधर जा रहा है, तब वर्क डन उसका क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन ज़ीरो होगा। कैसे? अब ये देखो, W इक्वल्स टू क्या, एफ टी कॉस थीटा, यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, थीटा जो है वो क्या एंगल है, वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है? तो W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 90। अब ये कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है ना? अब ये आप उसमें पढ़ोगे हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो है 10th क्लास में, उसमें ये आप सारे एंगल के वैल्यू सारी उस टाइम पे पढ़ोगे। तो आपको ये याद रखना है कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब कॉस 90 की वैल्यू आपने ज़ीरो रखी, तो ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो तब क्या होता है, ज़ीरो ही आता है। तो तब क्या होगा, वर्क डन आपका ज़ीरो होगा। इसीलिए क्या होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन इक्वल्स टू ज़ीरो। इज दैट क्लियर? उसके बाद आ जाओ, वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स इज़ स्टोर्ड एज एनर्जी, ठीक है? तो ये एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है ना? एबिलिटी किसकी, वर्क करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है? अब जो एनर्जी होती है वो वेरियस फॉर्म्स में होती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि उसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सम ऑफ इलेक्ट्रिकल, सॉरी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और एक्सेट्रा। अब जब एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही जगह में है, तब वो उसमें कौन, वो किस एनर्जी की वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ठीक है ना? तो W इक्वल्स टू हमारा क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमें पता है, हमने इससे पहले ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी पढ़ा है, mg, है ना, ma या mg, ठीक है? तो क्या हो गया, mg h, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, h। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, ये फॉर्मूला होता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो m क्या है मास, g क्या है ग्रेविटी और h क्या है हाइट, ठीक है? अब देखो, एनर्जी ड्यू टू द मोशन, मोशन तो तब क्या कहेंगे उसको, एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक, W इक्वल्स टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हमने s ले लिया, तो क्या F इक्वल्स टू क्या होता है, ma। तो एस की जगह में हम क्या लेंगे, लास्ट इक्वेशन किसकी, मोशन की, तो वो क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। यहाँ से हम क्या कर देंगे, एस की जगह में क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 A, ठीक है? तो
हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी दोनों की, तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो तब ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो वर्क डन आपका क्या हो गया एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब देखो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन लिफ्टिंग अ मास इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तब वो क्या होती है mgh। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ फॉलिंग बॉडी इज अवेलेबल एज काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। है ना, तो काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो वो नीचे जाएगा, तभी मोशन में आएगा। जब आपने कोई भी पत्थर ऊपर से नीचे फेंक रहे हो या बॉल फेंक रहे हो, तो वो किसकी वजह से मोशन कब आएगा, जब वो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के सम को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब है पावर, पावर को क्या हो गया, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, और पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है वाट। ठीक है, अब फॉर बॉडीज हैविंग कांस्टेंट स्पीड, अगर क्या है कांस्टेंट स्पीड है, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, किस में कर लेते हो आप उसको, kWh में लेते हो, है ना, किलो वाट में, जैसे वन यूनिट जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो भी क्या होता है, यूनिट के हिसाब से आता है ना, क्योंकि वो क्या होगा kWh में आएगा। अब 1 kWh इक्वल्स टू क्या हो गया, 1000 WH, किलो को क्या कर दिया आपने, इसको चेंज कर दिया के उसमें, ठीक है वाट आर में। अब वाट आर को भी अब चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 joule per second मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 3600। क्यों, क्योंकि आर को आपने किस में चेंज कर दिया, सेकंड में चेंज कर दिया, तो सेकंड से सेकंड कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, जूल बचा। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर थ्री इन यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो 1 kWh का मतलब होता है 1 यूनिट, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है कि आपने इतने यूनिट खर्च कर दी, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 kWh। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके? मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके? बाय बाय स्टूडेंट्स।